Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and today I'm going to share with you the details of the test series that the conference is conducting on three subjects for May 2018 attempt. Let me clarify one thing, that these three tests and three subjects are only for old syllabus students. As of now, there is nothing for the new syllabus students. So, old syllabus student mein teen paper hone wale hain, ek hai SFM ka, ek hai audit ka aur ek hai costing ka, jisko hum bolte hain advanced management accounting. सो इन तीन टेस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा शॉर्ट में. आपको सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी. अगर फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो किसको कांटेक्ट करना है, ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा. लेट्स स्टार्ट. सो ये इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फिर से एक बार पढ़ना हो तो. स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज़ रिटन हियर. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट. आपको कहाँ जाना है, कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट पे जाना है. सेकंड स्टेप इज टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज एंड प्लेस द ऑर्डर. यू विल गेट कन्फर्मेशन मेल, आपको मेल आएगा जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे. अब टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल सिर्फ CA फाइनल ओल्ड सिलेबस में, ये जो है आपका ओल्ड सिलेबस में SFM, AMA और ऑडिट पे अवेलेबल है, ठीक है. एंड ओनली 100 सीट्स आर देयर फॉर ईच सब्जेक्ट. सिंस कॉन्फ्रेंसा is starting with the test series for the first time, तो limited number में पहले उसको try करके देखना है कि successful होता है नहीं होता है, क्योंकि फिर paper check नहीं हो पाए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. So instead of adding the numbers, let's first start कि जितने लोगों को अच्छी तरीके से service दे सके दे पाए. So 100 की limit रखी है. And what is going to exactly happen, I'm going to tell you. Let's first visit. आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ. सो आपने कॉन्फ्रेंसा की वेबसाइट ओपन की, आपको फर्स्ट में ये पॉपअप मिलेगा. अगर आप डायरेक्टली क्लिक भी करोगे तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको एक बार दिख जाएंगे वेबसाइट पे. अब आप ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वेबसाइट पे, 60 के ऊपर प्रोडक्ट्स है, तो उसमें सर्च करने के बजाय मैं आपको बहुत ही क्लियरली बताता हूँ. यहाँ पर आप ना CA ओल्ड सिलेबस पहले तो फिल्टर लगा दो, और उसके बाद में यहाँ पर ना टेस्ट सर्च कर लो, ठीक है. तो आपको ये तीनों प्रोडक्ट्स आपको आपके सामने दिखेंगे, ऑडिट, SFM और AMA. हर एक की फ़ीस है ₹250. कब कंडक्ट होने वाली है ये टेस्ट, हर एक के प्रोडक्ट में लिखा हुआ है. ये 27 मार्च को कंडक्ट होगी ऑडिट का, SFM 25 मार्च को, और AMA रहेगा 29 मार्च को. नाउ हु आर द थ्री फैकल्टीज़. एक ऑडिट के लिए सानिध्य सराफ, उनके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं. SFM के लिए मैं खुद, और एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए CA निकिता वैद्य. पेपर कौन चेक करेगा सर? ऑडिट का पेपर सानिध्य सर के गाइडेंस में चेक होगा किसी CA के थ्रू, SFM का पेपर मेरे गाइडेंस में चेक होगा, और ये जो AMA का पेपर है खुद निकिता चेक करेगी और निकिता सेट करेगी. शी इज़ इनटू कॉस्टिंग एंड शी इज़ सून गोइंग टू कम अप विद द कॉस्टिंग वीडियो लेक्चर्स, आई होप सो. सो दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू एग्जैक्टली हैपन, ठीक है. दूसरी स्टेप पे आते हैं, सॉरी तीसरी स्टेप पे. अब क्या होगा, जब एक बार आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे वहाँ से, ठीक है, आप तीनों चाहो तो तीनों सिलेक्ट कर लो अपने कार्ट में, और तीनों टेस्ट देना है तो 25, 27 और 29 मार्च को. आगे देखिए, आपको दो दिन में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका डेटाबेस आ जाता है पीछे में बैकएंड में, तो नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. दो दिन के अंदर में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लिया जाएगा. उसके बाद में जितने भी अपडेट्स है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलते जाएंगे, ठीक है. नाउ आपको क्या चीज़ें रेडी रखनी है एग्ज़ाम के पहले, ये ध्यान रखो. आपको अपनी आंसर शीट्स रेडी रखनी है, रजिस्टर के जो पेजेस होते हैं आपके अलग से निकाल के रख लो. ऐसा नहीं कि रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं और फिर फाड़ेंगे उसको, स्टेपल करेंगे. पहले ही अगर आप सेट कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा. मेक श्योर द फॉर्मैट ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट इज़ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पेज फॉर्मैट शेयर्ड विथ यू ऑन मेल एंड व्हाट्सएप ग्रुप. तो आपको जो पहला पेज होता है ना, पहला पेज इसका क्या बोलते हैं, आंसर शीट का जो पहला पेज रहेगा उसमें थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी. कुछ फॉर्मेट रहेगा, मैं बता देता हूँ वो फॉर्मेट कैसा रहेगा, कोई भी टेस्ट में जाके देखते हैं. ये आपका फर्स्ट पेज फॉर्मेट रहेगा, जिसमें आपको ऊपर में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपने कितने यूज़ किए वो लिखना है, और एक बस छोटा सा ऐसा बॉक्स बना के छोड़ना है जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे, सॉरी, आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आप जो आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. सो बेसिक चीज़ हो गई है. तो उसके बाद में क्या, इट इज़ मैंडेटरी
I will just highlight it. It is mandatory to put page number at the center on top of each page of answer sheet. ये आप पहले भी तैयार करके रख सकते हैं. अच्छा, स्टेप सिक्स ध्यान दो. पेपर का जिस दिन एग्जाम का पेपर होगा, एग्जाम एग्जाम का पेपर बोल रहा हूँ, सॉरी, एग्जाम की डेट होगी. एग्जाम पेपर विल बी शेयर्ड विथ यू एट 1:40 PM ऑन योर मेल. मेल पे भी आएगा और व्हाट्सएप पे भी आएगा आपको कन्वीनियंस के लिए. मेरा सजेशन ये है कि आप व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी एक्सेस कर पाओगे. मेल में क्या होगा, एक साथ सबको भेजा जाएगा. सो यहाँ से तो चले जाता है. होता क्या है कि शायद हो सकता है एक दो लोगों को ना पहुँचे टाइम पे. सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद दीज टू. व्हाट्सएप इज़ मैंडेटरी, ठीक है? और अगर आप व्हाट्सएप में नहीं कनेक्टेड हो उस डेट के पहले, तो जो मैं आपको आगे में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर बताऊंगा, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप कनेक्ट हो सकते हो. अब क्या होगा, 1:45 से 2 बजे तक आप पेपर पढ़ लो, 2 से 5 बजे तक आपका राइटिंग टाइम है, ठीक है? अब ये मैं ऑनेस्टली आपके साथ में छोड़ रहा हूँ. ये तो ऑब्वियसली बात है कि आप 15 मिनट पेपर पढ़ो और उसके बाद ही पेपर शुरू करना लिखना. अब बहुत सारे लोग चीटिंग करके पहले भी लिख सकते हैं. दैट इज़ द ऑनेस्टी दैट यू हैव टू मेंटेन. उसके बाद में 5 बजे आप पेपर लिखना बंद कर दो. उसके बाद में एक इन्होंने कुछ तो सेट किया है कि एंड वर्ड डाल दो. आखिरी आंसर जो होगा ना, उसके बाद आप एक सेंटर में एंड वर्ड करके लिख दो, ठीक है? इनकी तरफ से ऐसा है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ आपको इंश्योर करना है कि आपका पहला पेज जो है आंसर शीट का, उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कितने पेजेस यूज़ किए और कितने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये लिखना है. उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. स्टेप 10, कैम स्कैनर करके एक ऐप आता है, इसका आइकॉन देखो ऐसा दिखता है, आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है? कैम स्कैनर के ऐप के थ्रू हर पेज को आपको सीक्वेंस वाइज स्कैन करना है 5 बजे के बाद, ठीक है? स्कैन करके उसी में ऊपर में ऑप्शन आता है PDF जनरेट करने का या शेयर करने का. जब शेयर का बटन दबाओगे तो PDF का ऑप्शन ऑटोमेटिक उसमें आता है कि आपको PDF शेयर करना है या क्या शेयर करना है. मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि टेस्ट बेसिस पे, टेस्ट डेट के पहले ही ये सब चीज़ें आप एक बार टेस्ट करके देख लो, खुद ही को मेल भेज के देख लो स्कैन करके कुछ पेजेस, तो एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है? और आखिर में यहाँ लिखा है वॉच डेमो वीडियो फॉर मोर डिटेल. राइट नाउ डेमो वीडियो बनाया नहीं गया है, तो कुछ भी दिक्कत हो तो मैं आपको लास्ट में ये जो नंबर और ईमेल आईडी लिखा है आप उस पर पूछ सकते हो. अच्छा, 11th स्टेप क्या है, मैक्सिमम टाइम टू सेंड पेपर वाया मेल इज 6 PM. 6 बजे तक आपको मैक्सिमम भेज देना है. तो 5 से 6 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ. स्कैन करो, PDF अपलोड करके भेज दो. सो इंटरनेट की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब एक घंटे में आपको सॉर्ट आउट करना है कैसे भी करके. द मेजर थिंग दैट यू हैव टू मेंटेन इज द ऑनेस्टी कि आप 5 बजे पेपर छोड़ दो. 5 बजे के बाद भी लिख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है चेक होगा, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको भी पता है वो मार्क्स कोई काम के नहीं रहेंगे. टाइम मैनेजमेंट आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा. सो देर इज़ नो कंपटीशन बेसिकली यहाँ पे. तो आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी से जीतना नहीं है, कोई रैंक नहीं आना है. आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हो तो यू शुड मेंटेन दैट ऑनेस्टी. अच्छा, जिनका पहले मेल आएगा उनका पहला पेपर चेक किया जाएगा. लास्ट स्टेप ये है ये कि जिस दिन पेपर ख़त्म होगा उसके अगले दिन से ही आपको पेपर मेल पे आना वापस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेपर उसके अगले दिन से ही चेकिंग होना शुरू हो जाती है. तो जिनका पहले आया उनको सबसे पहले मिल जाएगा और जिनका आखिरी में आएगा वो आखिरी तक मिलेगा. अच्छा, इन टोटल अगर आपको इन सब के अलावा कोई क्वेरी है तो आपको इस ईमेल आईडी पे मेल करना है, ritesh.conferenza@gmail.com. अदरवाइज आप इस नंबर पे कॉल कर लो ऑफिस आवर्स में या फिर व्हाट्सएप कर दो 11 से 6 PM में, जो भी आपको डिटेल है, ठीक है? कहीं क्वेरी आपकी, कोई क्वेरी नहीं सॉल्व होती है तो फिर मैं हूँ. सो mayank.kothari@live.com पे मेरे को आप मेल कर सकते हो कि ये नंबर पे कोई उठा नहीं रहा या ये ईमेल आईडी पे कोई रिस्पांस नहीं मिला, जो भी आपका इशू है. लास्ट रिसोर्ट इज मी, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प. टोटल लिमिट है 100 लोगों की. मैं जब तक ये वीडियो डाल रहा हूँ तब तक ऑलरेडी SFM के 50 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और ऑडिट के मैं आपको बता दूँ तकरीबन 40 एक हो चुके हैं. अकाउंट्स जो, सॉरी, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के 20 के आसपास हो चुके होंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप पहले उसको रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि 100 की लिमिट क्रॉस होने के बाद मुझे जहाँ तक पता है कि ये लोग प्रोडक्ट्स हटा लेंगे. मेरे पास नहीं पता, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये लोग प्रोडक्ट्स हटा लेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर. द फीस इज़ 250 रुपीज़ एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी लेस. इट्स लेस एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन इट. सो इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, जस्ट इवेल्यूएट योर सेल्फ. एक आइडिया आ जाता है आपको पेपर के पहले, तो प्रिपरेशन और आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा वैसे डिसाइड कर लो. 25, 27 और 29 मार्च को आपका ये पेपर होना है.
कोई भी दिक्कत हो, इनके अलावा जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, इनके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी, तो प्लीज़ ये जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है इस पे कांटेक्ट करो। मेरे को मत करना क्योंकि मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मेरे को मेरे सब्जेक्ट का पेपर सेट मैंने ही करना है, सजेस्टेड आंसर भी मैंने ही बनाना है, चेक कोई और करेगा मेरे गाइडेंस के अंदर में, वैसे ही ऑडिट का होगा, वैसे ही निकिता कॉस्टिंग के लिए करेगी। तो ज़रूर पूछेगा इनको, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कोई भी कंप्लेंट हो कि आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, जस्ट कम टू मी, आई एम देयर टू हेल्प, बिकॉज ये सब प्रॉपरली और स्मूथली चल रहा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जस्ट गो अहेड विद दिस थिंग, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल ट्राई इट वंस अगेन एंड लेट्स सी इफ इट बिकम सक्सेसफुल, वी आर गोइंग टू व्हाट आई कैन से इज इम्प्लीमेंट इट एंड टेक मोर टेस्ट इन द कमिंग टाइम। बाय बाय।